मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर और चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है लिंग। इसमें हम लिंग के बारे में बताएंगे। लिंग की परिभाषा इस प्रकार है कि संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे शब्द दे रखे हैं इसमें, मौसा का मौसी, छात्र का छात्रा, मोर का मोरनी, ग्वाला का ग्वालिन, बूढ़ा का बुढ़िया, नौकर का नौकरानी। इन चित्रों में मौसा, छात्र, मोर, ग्वाला, बूढ़ा और नौकर शब्द पुरुष सूचक हैं और मौसी, छात्रा, मोरनी, ग्वालिन, बुढ़िया और नौकरानी स्त्री सूचक शब्द हैं। और संज्ञा के जिस रूप में उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति का होने का जो पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग, पुरलिंग और स्त्रीलिंग। पुरलिंग में जिन शब्दों के से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुरलिंग कहते हैं। जैसे बंदर पेड़ पर चढ़ गया, आम बहुत मीठा है, मैंने 2 समोसे खाए और पिताजी आ रहे हैं। इन वाक्यों में आए, पेड़ों, पेड़, आम, समोसे और पिता शब्द पुरुष सूचक हैं, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द हैं। अब है दूसरा स्त्रीलिंग। जिन शब्दों में स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे वह लड़की अच्छा नाचती है, उसकी चप्पल टूट गई, कटोरी गिर गई और अध्यापिका पढ़ा रही है। और इन वाक्यों में आए लड़की, चप्पल, कटोरी और अध्यापिका शब्द हैं, वो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। और लिंग की पहचान प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग को की पहचान उनकी शारीरिक रचना से होती है। जैसे लड़का, आदमी, बूढ़ा, बैल, चूहा, बकरा, शेर, सांप, चिड़ा, कुत्ता आदि प्राणी सूचक पुरुषवाचक प्राणी पुरुष सूचक हैं और ये पुल्लिंग हैं। आगे लड़की और औरत, बुढ़िया, गाय, चूहिया, मछली और सर्पणी, शेरनी, हथनी आदि प्राणी स्त्री सूचक हैं और ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। नित्य पुल्लिंग शब्द, कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा पुल्लिंग के रूप में ही किया जाता है। जैसे तोता, खरगोश, गीदड़, जिराफ, मगरमच्छ, भालू, बगुला, गेंडा आदि ये। और ये हैं नित्य स्त्रीलिंग शब्द। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा स्त्रीलिंग रूप में ही किया जाता है। जैसे गिलहरी, कोयल, भेड़, चमगादड़ और लोमड़ी, मक्खी, जू, चील, मछली आदि। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में प्रयुक्त होने वाले शब्द, कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे वो शब्द इस प्रकार से हैं कि डॉक्टर, टीचर, अध्यापक, वो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पंच, मैनेजर, पत्रकार, फोटोग्राफर आदि। शोमिता घोष बहुत अच्छी फोटोग्राफर है और आदित्य शुक्ला बहुत अच्छा फोटोग्राफर है। यानी दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हैं और दोनों को एक ही सेम शब्द से बोला जाता है। मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग का निर्धारण प्रयोग और परंपरा से होता है। सदा पुल्लिंग रहने वाले संज्ञा शब्द, पहला है देशों के नाम, जापान, थाईलैंड, इराक, नेपाल आदि। श्रीलंका स्त्रीलिंग है। और फलों के नाम, केला, संतरा, पपीता, आम, खरबूजा आदि।
और लीची है वो स्त्रीलिंग है, और तीसरा दिनों के नाम। दिनों के नाम में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आदि ये शब्द हैं। पहाड़ों के नाम में शिवालिंग, नीलगिरी, हिमालय आदि। और पांचवा समुद्र के नाम, हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर आदि। छठा है तरल पदार्थों के नाम, जैसे दूध, घी, पेट्रोल, पानी, तेल आदि। और चाय और लस्सी ये स्त्रीलिंग है शब्द हैं। सातवां है महीनों के नाम, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि। और अंग्रेजी महीनों में मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीनों के नाम हैं। और आठवां है ग्रहों के, ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध आदि। और पृथ्वी स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम, चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, जौ, चना आदि। और ज्वार स्त्रीलिंग शब्द है, और ये ऊपर पुल्लिंग है। वृक्षों के नाम, दसवां पीपल, बरगद, अशोक, नीम आदि, ये पुल्लिंग शब्द हैं। और इमली स्त्रीलिंग शब्द है। रत्नों के नाम, हीरा, पन्ना, पुखराज आदि। और बारवां है जिन शब्दों के अंत में त्रय आए, आस, आपा, त्व, पन, वाला, इरा, आ, आव, दान, आवा आदि लगते हैं, तो ये प्राय पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे नेत्र, पत्र, अध्याय, उल्लास, बुढ़ापा, देवत्व, नारित्व, लड़प्पन, लड़कपन, अपनापन, सब्जी वाला, दूध वाला, सपेरा, लुटेरा, चाचा, नेता, बीमार, सुनार, पानदार, पानदान और फूलदान, बुलावा और पहनावा आदि, ये सभी शब्द पुल्लिंग में आते हैं। तेरवा है जिन शब्दों के अंत में ए और के आता है, वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे रमन, कमल, भाषण, हेमंत, पवन, उपवन, फाटक, पाठक, गायक, नायक आदि। और चौदहवा है शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, मस्तक, हाथ, पांव, गला, पेट, मुंह, दांत, कान, चेहरा आदि। आगे पढ़ते हैं कि सदा स्त्रीलिंग रहने वाले संज्ञा शब्द कौन से हैं। पहले अपन ने पुल्लिंग पढ़े थे और अब स्त्रीलिंग। पहला है बर्तनों के नाम, बर्तनों में करछी, कढ़ाई, प्लेट, कटोरी, थाली आदि, ये स्त्रीलिंग है। अंगों के नाम में दाढ़ी, मूछ, टांग, एड़ी, जांग, पलक, आँख, नाक, पीठ आदि। और आहार के नाम हैं इडली, खीर, पूरी, कड़ी, कचौड़ी, दाल, रोटी, सब्जी आदि। चौथा है नदियों के नाम, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, सतलुज, झेलम, गंगा आदि। पांचवा है महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। और छठा है भाषाओं के नाम, हिंदी, पंजाबी, मराठी, संस्कृत और गुजराती और अंग्रेजी। सातवां है किराने के की वस्तुओं के नाम, हींग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, सुपारी, माचिस आदि। आठवां है गहनों के नाम, पायल, अंगूठी, नथ, माला, चूड़ी आदि, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। नवा है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में आहट, आवट, आई, ता और आस आते हैं, जैसे घबराहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट, पढ़ाई, बुनाई, ममता, महंता, पशुता, मिठास और खटास आदि। जिन संज्ञाओं के अंत में ई आता है, गुड़िया, जैसे बुढ़िया, लुटिया, दुनिया, चूड़ी, चिड़िया, विटिया आदि। और ग्यारहवां है कुछ अकारांत तत्सम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आशा, परीक्षा, दीक्षा, दया, छाया, कृपा और महत्ता, रोचकता आदि। और बारहवां है इकारांत तत्सम शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भक्ति, शक्ति, मुक्ति, जाति, अग्नि, रुचि आदि।
तेरवा है उकारांत शब्द तत्सम शब्द हैं, प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे वायु, ऋतु, आयु आदि। अब अभ्यास 9.1 में क्वेश्चन दिया है, पहला कि नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के लिंग बताइए। आपको इसी तरह से ही कॉपी में करने हैं। ये पहला है कि हम रेलगाड़ी से कोलकाता जाएंगे, ये स्त्रीलिंग हो गया। और खै को तुम रविवार को आना, ये पुल्लिंग है। गए जैसलीन के दादा जी अमृतसर में रहते हैं, ये पुल्लिंग है ये वाक्य। घे माँ से माँ ने दालें खरीदी, ये स्त्रीलिंग है। और डे सिद्धार्थ माली ने माली से फूल ले रहा है, ये पुल्लिंग है। मेरी पुस्तक नई है, ये स्त्रीलिंग है। भावना पति के साथ नागपुर जाएगी, ये पुल्लिंग है। जय किरण ने शरबत बनाया, पुल्लिंग है। और झय पेड़ पर आम लगे हैं, इसमें पुल्लिंग आएगा। जय हिणय हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसमें स्त्रीलिंग है। और नेहा बहुत गुणवती है, इसमें भी स्त्रीलिंग आएगा। और हमने नया घर खरीदा है, इसमें पुल्लिंग होगा। लाल किले पर पताका लहरा रही थी, इसमें पुल्लिंग है। दीवार पर तस्वीरें टंगी थी, ये स्त्रीलिंग है। और नदी सूख गई, ये भी स्त्रीलिंग है। और गमले में फूल खिले हैं, ये पुल्लिंग है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के उचित लिंग चुनिए। दरवाजा पुल्लिंग है, कविता स्त्रीलिंग है, आम पुल्लिंग है, माचिस स्त्रीलिंग है, बचपन पुल्लिंग है। आगे पानी स्त्रीलिंग है। और गायक पुल्लिंग है, तालाब पुल्लिंग है, माला स्त्रीलिंग है, और मोती स्त्रीलिंग है। आगे लिंग में लिंग परिवर्तन किस तरह से करेंगे अपन। इसमें पहला है अंतिम, अंतिम में ए और आ के स्थान पर ई लगाकर, जैसे पुल्लिंग में पुत्र है तो स्त्रीलिंग में शब्द उसका बन गया पुत्री। और पुल्लिंग में नाना का नानी हो गया स्त्रीलिंग, बेटा का बेटी हो गया स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग में लड़का स्त्रीलिंग में लड़की हो गई, और बकरा का बकरी हो गई, घोड़ा का घोड़ी हो गया। अब दूसरा है कि अंतिम में आ के स्थान पर ईया लगाकर, जैसे चिड़ा का चिड़िया हो गया, ईया शब्द का प्रयोग हो गया इसमें। और गुड्डा का गुड़िया हो गया, बूढ़ा का बुढ़िया हो गया, और डिब्बा का डिबिया हो गया, बछड़ा का बछिया हो गया, बेटा का बिटिया हो गया। अब तीसरा है अंत में ए और ई के स्थान पर इन लगाकर शब्द बनाए हैं, जैसे कुमार का कुम्हारिन, मालिक का मालकिन, नाग का नागिन, नाती का नातिन हो गया, माली का मालिन हो गया, और पड़ोसी का पड़ोसिन हो गया। अब चौथा है अंतिम में अ और आ, उ और ए के स्थान पर आयन लगाकर शब्द बनाए हैं, जैसे पुल्लिंग में ठाकुर है तो ठाकुर का ठुकराइन हो गया, पंडित का पंडितायन हो गया, लाला का ललायन हो गया, बाबू का बबुआइन हो गया, और पंडा का पंडायन हो गया, गुरु का गुरुआयन हो गया। अब पांचवी में अंत में नी लगा करके शब्द बनाना है, शब्द लिखा हुआ है इसमें। रीछ का रीछनी, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, भीड़ का भील का भीलनी, सिंह का सिंहनी, और ऊँट का ऊँटनी। छठे में अंत में आ लगा करके शब्द बना है, प्रिय का प्रिया, भवदीय का भवदिया। और
कांत का कांता, निर्मल का निर्मला, महोदय का महोदया, शिष्य का शिष्या, और सातवें में अंत में आनी लगा करके शब्द बने हुए हैं। जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी, नौकर का नौकरानी, इंद्र का इंद्राणी, क्षत्रिय का छत्राणी, रुद्र का रुद्राणी। आठवें में अंत में अक के स्थान पर इका लगा करके शब्द बनाए हैं, जैसे नाटक का नाटिका, गायक का गायिका, पाठक का पाठिका, सेवक का सेविका, नायक का नायिका, अध्यापक का अध्यापिका। नवें में अंतिम मान को मति और वान को बति में बदलकर लिखा है, जैसे श्रीमान का श्रीमती हो गया और बुद्धिमान का बुद्धिमती हो गया और आयुष्मान का आयुष्मती हो गया। अब इसमें बान का बति हो गया, जैसे गुणवान का गुणवती, धनवान का धनवती और रूपवान का रूपवती। दसवां है अंत में आए ए और ई को इनी या इणी में बदल करके लिखा गया है, जैसे सर्प को सर्पणी, स्वामी को स्वामिनी और अभिमानी को अभिमानिनी और मनस्वी को मनस्विनी, स्वामिनी को स्वामी को स्वामिनी और यशस्वी को यशस्विनी, फलदायी को फलदायिनी। ग्यारहवें में भिन्न रूप वाले पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द हैं, कवि का कवयित्री, बाप का माँ, पिता का माता, पुरुष का स्त्री, राजा का रानी, विद्वान का विदुषी, वाश्या का बेगम और वर का वधु। आगे बैल का गाय और भाई का भाभी, नंदोई का ननद, पति का पत्नी, ससुर का सास, विदुर का विधवा, वीर का वीरांगना, अभिनेता का अभिनेत्री। अभ्यास नंबर 9.2 में क्वेश्चन है पहला कि मोटे रंगीन छपे रंगों का शब्दों का लिंग बदल करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे इसमें दे रखा है कि माताजी समाचार पत्र पढ़ रही हैं, तो इसका हो गया कि पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। अब इसमें अपने दे रखा है कह में कि मुस्कान की मौसी अध्यापिका है, तो अपन को इसमें बनाएंगे कि मुस्कान के मौसाजी अध्यापक हैं। खे में उन लड़कों को बुला लाओ, तो इसका बनेगा वाक्य उन लड़कियों को बुला लाओ। गे में नरेश वाला का भाई रसगुल्ले लाया है, इसका वाक्य बनेगा नरेश वाला की बहन, नरेश वाला की बहन रसगुल्ले लाई है। घे में यह युवक, नहीं उस युवक ने सबसे अच्छा गीत गाया, उसका वाक्य बनेगा उस युवती ने सबसे अच्छा गीत गाया। ढय का मंदिर के बाहर एक बूढ़ी भिखारिन बैठी है, तो वाक्य बनेगा इसका मंदिर में एक बूढ़ी यानी बूढ़ा भिखारी बैठा था। चे में राजा के पास एक काले रंग का घोड़ा है, इसका वाक्य बनेगा रानी के पास एक काले रंग की घोड़ी है। छह में पुस्तक का लेखक ने हस्ताक्षर किए हैं, और इसका वाक्य बनेगा पुस्तक पर लेखिका के हस्ताक्षर हैं। जय में हाथी धीरे धीरे चलता है, इसका वाक्य बनेगा हथनी धीरे धीरे चलती है। बैल घास खाता है, तो इसका वाक्य बनेगा गाय घास खाती है। सचिन का बेटा बुद्धिमान है, इसका वाक्य बनेगा सचिन की बेटी बुद्धिमती है। अब दूसरा क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों के सही स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। इन चार वाक्य में से स्त्रीलिंग शब्द सुनना है। पहले में गाय का होगा और पहले में नर्तकी होगा और दूसरे में गायिका होगा, तीसरे में छात्रा होगा और चौथे में बेगम होगा और पांचवें में बुद्धिमती होगा। आगे छठे में गुरुआइन होगा और सातवें में वीरांगना होगा, आठवें में
स्वामिनी होगा और नवें में साध्वी होगा और दसवें में बछिया होगा। ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में नीचे लिखे शब्दों के सही पुल्लिंग शब्द चुनिए। पहले में बेटा होगा, दूसरे में पड़ोसी होगा, तीसरे में कवि होगा, चौथे में महोदय होगा और पांचवें में बंदर होगा और छठे में बूढ़ा होगा और सातवें में विद्वान होगा और आठवें में माली होगा और नवें में विदुर होगा और दसवें में चिड़ा होगा। ये आपको इसी तरह से कॉपी में करने हैं। थैंक यू।